जो देश के युवाओं के सबसे बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब लंदन में NRI को संबोधित करेंगे कि 25 साल का आने वाला भारत कैसा होगा, ऐसे समय में ऐसा समय चुना गया है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। जब जातीय जनगणना के सवाल पे तेजस्वी जी और नीतीश जी जब एक होने का बात हो रहा है और दलित पिछड़ा कलियत ये तमाम लीडर एक होने के बात हो रहा है जातीय जनगणना के सवाल पे, तो इस तरीके से छापामारी कर करके ये विपक्ष को आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रहा है। और दूसरा, नीतीश कुमार जी को इशारा भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका फ्लैट भी सामने है, इशारा भी दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा को उठाइएगा तो आपके यहाँ भी इसी तरीके का कार्रवाई होगा। CBI का मतलब देश जानती थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, लेकिन अब CBI का मतलब चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया हो गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, अभी हमारे साथ राजद के विधायक हैं सतीश दास सर, लालू डावड़ी आवास पे मौजूद हैं आप, और छापा सर पड़ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, CBI का मतलब देश जानती थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, लेकिन अब CBI का मतलब चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया हो गया है। और जिस तरीके से छापामारी की कार्रवाई चल रही है, जो समय चुना गया है, इस समय देखिए, जब हमारे नेता, जो देश के युवाओं के सबसे बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब लंदन में NRI को संबोधित करेंगे कि 25 साल का आने वाला भारत कैसा होगा, ऐसे समय में ऐसा समय चुना गया है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। जब तेजस्वी यादव जी जातीय जनगणना के सवाल पे बिहार से दिल्ली तक पैदल कूच करने का आंदोलन घोषित करते हैं, ऐसे समय में छापामारी की जा रही है। जब बिहार का व्यापम BPSC घोटाला जब निकल करके सामने आता है, तो कायदे से छापामारी उनके दफ्तर पे होना चाहिए था, SSC के दफ्तर पे होना चाहिए था, येदुरप्पा के यहाँ होना चाहिए था, शिवराज सिंह चौहान के यहाँ व्यापक घोटाले में छापामारी होना चाहिए था, ब्रजेश ठाकुर के यहाँ, मेहुल चौकसी के यहाँ, विजय माल्या के यहाँ, ये तमाम लोग, नीरव मोदी के यहाँ छापेमारी होना चाहिए था। तो जो 17 साल से विपक्ष में है उनके यहाँ छापेमारी हो रहा है, और इससे पूर्व में भी छापेमारियाँ हुई हैं। क्या CBI को कुछ हाथ लगा उस छापेमारी में? तो सर, कोर्ट के सामने पेश करें, लेकिन आज तक CBI ने सिर्फ छापामारी करती है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है, और ऐसा कोर्ट को यह हलफनामा भी दायर करती है। एक सवाल रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम मुद्दा को दबाने की कोशिश की? एकदम यही मामला है कि जब जातीय जनगणना के सवाल पे तेजस्वी जी और नीतीश जी जब एक होने का बात हो रहा है और दलित पिछड़ा कलियत ये तमाम लीडर एक होने के बात हो रहा है जातीय जनगणना के सवाल पे, तो इस तरीके से छापामारी कर करके ये विपक्ष को आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रहा है। और दूसरा, नीतीश कुमार जी को इशारा भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका फ्लैट भी सामने है, इशारा भी दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा को उठाइएगा तो आपके यहाँ भी इसी तरीके का कार्रवाई होगा। तो इशारा किसके तरफ है? नीतीश कुमार जी की तरफ है। और जो भाजपा को बोचा की जनता ने जो थप्पड़ मारा है ना, उसकी टीस भी है छापामारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिनों तेजस्वी यादव भी मिलने गए थे जातीय जनगणना को लेकर। हाँ, तो जातीय जनगणना के सवाल पे सारे लोग एक हो रहे हैं, और जब एक हो रहे हैं तो ये तो जातीय जनगणना चाहते नहीं है, ये पिछड़ों को उनका हक देना चाहते नहीं है, दलितों को उनका हक देना चाहते नहीं है, तो ये इशू है। तो इस तरीके का छापामारी करके इन तमाम तरह के सवाल को डाइवर्ट करना चाहते हैं, दलित पिछड़ा कलियतों का जो वाजिब हक है उसको छीनना चाहते हैं, उसको कुंडली मार करके बैठना चाहते हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं राजद से विधायक सतीश दास, इनका साफ साफ कहना है कि तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जातीय जनगणना हो या फिर BPSC का पेपर लीक मामला हो, तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर छापा मरवाया जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो BJP जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहती। आपको बता दें, CBI की जाँच चल रही है, लालू डावड़ी आवास पर मौजूद हैं, और सतीश दास थे राजद के विधायक, इनका साफ साफ कहना है कि गरीबों और दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जिन पर छापा मारना चाहिए, जिनके घर छापा मारना चाहिए, उन पे ना मार के लालू यादव पर और तेजस्वी यादव के पर छापा मराया जा रहा है। फिलहाल लालू डावड़ी आवास पर CBI का छापा जो है वो चल रहा है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ अंदर से बात निकल के आती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।